होली के मौके पर पूरा मुलायम परिवार एक बार फिर से इटावा में मौजूद था, जहां पर मुलायम सिंह यादव को याद किया गया। सैफई में अखिलेश यादव के पैतृक आवास पर मुलायम सिंह यादव की याद में नेताजी को नमन नाम से एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें अखिलेश यादव, रामगोपाल यादव, धर्मेंद्र यादव समेत परिवार के तमाम सदस्यों के अलावा सपा के पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल हुए। कार्यक्रम के बाद अखिलेश यादव ने शिवपाल यादव के आवास पर जाकर मुलाकात की, होली की शुभकामनाएं दी। हालांकि नेताजी के निधन की वजह से इस बार सैफई में होली की वो रौनक नहीं दिखी जो मुलायम सिंह यादव के दौर में हुआ करती थी। कोई होली का त्यौहार ऐसा नहीं होगा जिसमें नेताजी यहाँ नहीं रहे, और जब नेताजी नहीं है तो स्वाभाविक है, क्योंकि इस क्षेत्र से नेताजी ने राजनीति कर करके ऊंचाइयों तक पहुंचे हैं। साल तो नेताजी आते ही थे और फाग भी होती थी, होली भी होती थी, लेकिन इस वर्ष नेताजी के बिना होली हो रही है। कार्यक्रम में वक्ताओं और कवियों ने अपने अपने अंदाज में मुलायम सिंह यादव को याद किया। और नाम हुआ है भारत में और नेताजी मुलायम सिंह का। नेताजी की स्मृति में आयोजित कार्यक्रम से पहले अखिलेश यादव ने अपने आवास पर सपा नेताओं और कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। इसके पहले रामगोपाल यादव ने भी अखिलेश यादव के आवास पर जाकर अखिलेश से मुलाकात की। महंगाई के मुद्दे पर भाजपा सरकार को घेरने के लिए समाजवादी पार्टी की महिला नेताओं ने सेल्फी विद सिलेंडर के नाम से एक अभियान छेड़ दिया। सपा की महिला नेताओं ने सिलेंडर के साथ तस्वीर लेकर सोशल मीडिया पर एक अभियान छेड़ दिया है, जिसे नाम दिया गया है सेल्फी विद सिलेंडर। सपा प्रवक्ता जूही सिंह ने अपनी ऐसी ही एक तस्वीर ट्वीट करते हुए भाजपा सरकार पर महंगाई को लेकर हमला बोल दिया। सिलेंडर के दाम बढ़ रहे हैं, होली आ गई, हमारे मुख्यमंत्री ने शायद कहा भी था, चुनावी वादा था कि फ्री सिलेंडर होली पे मिलेगा, किसी को मिला तो है नहीं, होली फीकी हो गई। सपा प्रवक्ता नाहिद हसन लारी, विधायक पूजा सरोज के अलावा समाजवादी पार्टी की तमाम महिला नेताओं ने इस अभियान में शामिल होकर सिलेंडर के साथ अपनी सेल्फी सोशल मीडिया पर पोस्ट की और भाजपा पर महंगाई को काबू न कर पाने का आरोप लगाया। ट्विटर पर बयानबाजी करना और सेल्फी लेना, यही अब उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के लिए बचा है। इसके अलावा समाजवादी पार्टी के पास कोई काम नहीं बचा है। लेकिन भाजपा ने समाजवादी पार्टी के इस अभियान को सिर्फ दिखावा बताया है। ट्विटर पर बयानबाजी करना और सेल्फी लेना, यही अब उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के लिए बचा है। इसके अलावा समाजवादी पार्टी के पास कोई काम नहीं बचा है। होली से ठीक पहले 1 मार्च को घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों में इजाफा हुआ है। इसी के विरोध में अब विपक्ष ने केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। पूरे प्रदेश में पसमांदा सम्मेलनों का आयोजन करने के बाद मुसलमानों को अपने साथ जोड़ने के लिए भाजपा ने 2024 लोकसभा चुनाव से पहले बड़े अभियान की तैयारी कर ली। मुसलमानों को भाजपा के करीब लाने के लिए पार्टी ने वन नेशन वन डीएनए नाम का अभियान चलाने का फैसला किया, जिसके जरिए भाजपा मुस्लिम समाज को ये बताने की कोशिश करेगी कि भले ही लोगों के धर्म अलग अलग हों, लेकिन बिरादरी और डीएनए एक ही है। तो ये एक ऐसा रिश्ता है जो बिरादरी के नाम पर स्थापित है, और क्योंकि डीएनए सबका एक है, देश सबका एक है, तो इसका स्नेह मिलन के नाम से एक कार्यक्रम आयोजित करने का अल्पसंख्यक मोर्चा का प्लान है। भाजपा के इस अभियान की शुरुआत पश्चिमी यूपी के मुजफ्फरनगर से होगी, जिसमें जाट और मुस्लिम बिरादरी के नेताओं को एक मंच पर लाया जाएगा। मुजफ्फरनगर लोकसभा क्षेत्र में मुस्लिम राजपूत, मुस्लिम जाट और मुस्लिम गुर्जर आबादी 2.5 लाख के करीब है, जिन्हें भाजपा एक मंच पर लाकर अपने साथ जोड़ना चाहती है। मंच पर जो रहेंगे वो इन्हीं बिरादरियों के जब नेता रहेंगे, जैसे कि जाट, गुजर, राजपूत, त्यागी, इन्हीं बिरादरियों के हिंदू नेता और मुस्लिम नेता प्रमुख मंच पर रहेंगे और जो संवाद करेंगे, तो बड़ी तादाद में पश्चिम उत्तर प्रदेश का माहौल बदलेगा। इस बिरादरी में सबसे ज्यादा किसान हैं, ऐसे में मुस्लिम और जाटों को भाजपा एक साथ लाकर पश्चिमी यूपी में 2024 से पहले अपनी स्थिति को और मजबूत करने की तैयारी कर रही है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।